नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, सीटी के अंदर टॉपिक दे रखा है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में हमने पहले वाले पार्ट के अंदर बात कर ली थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले बात यह आती है कि किससे संबंधित है, तो ये दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। दूध उत्पादन बढ़ाने से फिर बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत मित्रों 1964-65 के अंदर सघन पशु विकास कार्यक्रम, सघन पशु विकास कार्यक्रम के तहत, ठीक है, सघन पशु विकास कार्यक्रम के तहत, दूध उत्पादकता बढ़ाने हेतु इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो श्वेत क्रांति से संबंधित पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। ठीक है, दूध उत्पादकता बढ़ाने से है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 के अंदर, 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। और इसके सूत्रधार थे, यानी इसकी शुरुआत किसने की थी, सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये तीन चरणों के अंदर ये कार्यक्रम चला था, तीन चरण। ये भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं, तीन चरण कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। पहला जो चरण था 1970 से लगाकर 78 तक, 1970 से 78 तक। दूसरा जो चरण था दोस्तों, वो था 1978 से 1985 तक। ठीक है, और तीसरा जो चरण की बात करें, 1985 से लगाकर 95 तक। ठीक है, इन तीन चरणों को भी आपको याद रखना है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ठीक है उनके बारे में। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम यूटी स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट के अनुसार 2019-20 के अंदर, ठीक है, कब के आंकड़े, 2019-20 के अंदर भारत के अंदर कुल दूध का उत्पादन 198.4 मिलियन टन। ठीक है, कितना हुआ, 198.4 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये विश्व के अंदर सर्वाधिक है, विश्व के अंदर सर्वाधिक, विश्व में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है, विश्व में सर्वाधिक। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पहला स्थान। ठीक है, दूसरे स्थान पे जो आता है वो आता है चाइना। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन आता है, चीन आता है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार ही अपन बात करें दोस्तों, तो 2019-20 के अनुसार भारत के अंदर दूध की जो उपलब्धता है, दूध उपलब्धता ये कितनी है, 406 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, कितनी ज्यादा है आप समझ सकते हो, और आवश्यकता कितनी है, आवश्यकता एक व्यक्ति के लिए दोस्तों 220 ग्राम ही है। ठीक है, 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता है।
तो देखिए मित्रों जस्ट डबल है इससे, डबल से भी ज़्यादा। तो इस बात को आपको ध्यान में रख सकते हो दोस्तों कि कितनी ज़्यादा है भारत, कितना आत्मनिर्भर है दूध उपलब्धता के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये विश्व का 23% दूध है, ठीक है, भारत के अंदर विश्व का 23% यानी 23% दूध उत्पादन होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और इसी दूध उपलब्धता की विश्व के संदर्भ में बात करूं तो विश्व के अंदर जो उपलब्धता है दोस्तों वो है 300 ग्राम, 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये आंकड़े मित्रों कुछ आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे, तो इनको जरूर याद रखना दोस्तों। ठीक है, इनको अवॉइड मत करना। बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप केवल ऑपरेशन फ्लड पढ़ लिया, ठीक है, उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है वो पढ़ लिया, इन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अगर अपन ध्यान रखेंगे तो बाकी औरों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो भी नोट करते जाइए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, भारत के अंदर जो श्वेत क्रांति को सफल बनाने के अंदर कुछ पशु विकास कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन कार्यक्रमों के बारे में भी बात कर लेते हैं। पशु विकास कार्यक्रम, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि टू द पॉइंट चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बातें अपन को नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंडो स्विश पशु विकास कार्यक्रम, ये क्या याद रखना है। अभी तो इंडो जर्मन, ठीक है, ठीक है, इंडो डेनिश, ये क्या याद रखना दोस्तों, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये पशु विकास कार्यक्रम है जिनकी भारत के अंदर श्वेत क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक और नोट कर लीजिए, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, ये है मित्रों करनाल हरियाणा के अंदर। कहाँ पे, करनाल हरियाणा। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। कब हुई, 1955 के अंदर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे, और आज बात कर लेते हैं नेक्स्ट नीली क्रांति के बारे में। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा होगा। आराम से पढ़ना, अपन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पढ़ने हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं जो आप बुकों में मिल जाएगी, और भी फैकल्टीज पढ़ाएंगी आपको, लेकिन न तो एग्जाम पूछी गई है न आगे पूछी जा सकती है, उनको अवॉइड करते हुए ही चलना है। तो ये किससे संबंधित है मित्रों, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है, इस क्रांति की शुरुआत हुई थी मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है मित्रों। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, दूसरा कौन सा है, भारत। और इसमें पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे है चाइना। ठीक है, इन मछली उत्पादन में पहले स्थान पे है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें दोस्तों, 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत के अंदर जो उत्पादन हुआ था 14.16, ठीक है, यानी 14.16 मिलियन टन मछली का उत्पादन हुआ भारत के अंदर 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बात है 22 दिसंबर 2015 की, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्य
पालन के समेकित विकास के लिए एक योजना को मंजूरी दी थी। मत्स्य पालन के समेकित विकास हेतु एक योजना की मंजूरी। ठीक है, इसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस कारण मैंने इसको भी लिया हमने। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या लक्ष्य रखे गए वो देखिए। लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक वार्षिक उत्पादन 15 मिलियन टन करना। ठीक है, 2020 तक अभी कितना था, 14.16 मिलियन टन, और 2020 तक कितने करने का था, 15 मिलियन टन। ठीक है, 15 मिलियन टन। ठीक है दोस्तों, और यानी 2015 से लगाकर 2020 तक 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का भी प्रावधान था, लेकिन बीच में आपको पता है कोविड आ गया था, उसकी वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन आशा है कि बहुत जल्दी इस अपन आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 3,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मत्स्य उद्योग का देश के सकल मूल्य वर्धन में कितना हिस्सा है, ये भी याद करना। ठीक है दोस्तों, मत्स्य उद्योग का हिस्सा, ठीक है, सकल मूल्य यानी जीवीए, सकल मूल्यवर्धन में 1.24% का हिस्सा है। ठीक है, विश्व के संदर्भ में बात करें दोस्तों, तो वैश्विक उत्पादन के अंदर कितना है, 7.58%। ठीक, कितने वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 7.58% दोस्तों, ये भी आपको आंकड़े याद रखने हैं। अब कुछ और बातें हैं वो देखिए। ताजे जल की मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ताजे जल की मछली उत्पादन ओवरऑल हमने देखा भारत का दूसरा स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान, भारत का दूसरा स्थान। और ताजे जल की मछली उत्पादन के अंदर बात करें तो इसके अंदर भी भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान। तो पहले स्थान पे कौन है, चीन है। कौन दोस्तों, चीन पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे हमारा भारत देश। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ताजे जल की मछली उत्पादन में चीन पहले स्थान पे हैं और भारत दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट देखिए, कुछ और आंकड़े हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और राज्यों की बात करें मित्रों, मछली उत्पादन में राज्य, भारत के राज्यों की बात करें, अपन अवरोही क्रम देखेंगे। ठीक है, ज्यादा से कम की ओर, ये आंकड़े हैं 2019-20 के अनुसार। देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्थान पे हैं आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले स्थान पे आंध्र, दूसरे स्थान पे हैं पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पे हैं गुजरात, तटवर्ती क्षेत्र मित्रों सभी। ठीक है, गुजरात, एक मिनट मित्रों, चार्ज में डाल देते, ये गुजरात है, ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, और उसमें बंगाल, ओडिशा, और चौथा है, पांचवा है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चार्ज खत्म होने वाला है, इसलिए मैं यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।